ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमसन्स मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम डिटरमाइन करेंगे ई बाई एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के. थॉमसन ने दरअसल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उन्होंने कैथोड रेज को पास करवाया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और उन्होंने रेशियो निकाला था ई बाई एम का. ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एपरेटस आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ एक एपरेटस है जिसमें कैथोड रे ट्यूब को शो कर रहा है, और यहाँ पे सी जो है ये कैथोड है आपका, और ए जो है ये एनोड है आपका. ठीक है, अब यहाँ पे एनोड जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब के फॉर्म पे है, और इसका एक्सेस जो है ये है पैरेलल कैथोड रे ट्यूब से. जो प्रेशर है गैस का ट्यूब के अंदर वो 10^-2 mm ऑफ मरकरी होगा. एक पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे कैथोड और एनोड के बीच में 10,000 volt का. ठीक है, अब यहाँ पे एस जो है वो एक स्क्रीन है जो कि ट्यूब के एंड में यहाँ पे लगी हुई है. ठीक, और ये कोट की हुई है फ्लोरोसेंट मटेरियल से, जैसे जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है उसे कोट की गई है. P1 P2 यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं मेटालिक प्लेट्स हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, और ये ट्यूब के अंदर है. पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर इन प्लेट्स के बीच में अप्लाई करते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा प्लेन ऑफ पेपर में, और वो परपेंडिकुलर होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के. ठीक है, उसी जगह पे सेम प्लेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ट्यूब के बाहर वो रखा हुआ है मान के चलिए, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो दो फील्ड एक ही जगह पे एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन है कैथोड रे का उसके भी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कैथोड से वो एमर्ज होगा एनोड से नैरो बीम के फॉर्म पे. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये सीधा जाके टकराएगा इस पॉइंट पी पे. ठीक, जहाँ पे ये एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा जो हमको स्क्रीन पे दिखेगी. अब यहाँ मान के चलते हैं कि अगर आपके पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लीजिए V के बराबर है. किसकी वेलोसिटी है ये, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है और मास जो है वो M है जब वो कैथोड से एनोड से निकल रहे हैं. शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे जब आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं रहेगी तब, और ये जा करके टकराएंगे कहाँ पे, पॉइंट पी पे, जहाँ पे ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करेंगे. अब मान के चले एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए. कैसे अप्लाई किया जाए, परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाए प्लेन ऑफ पेपर के, यानी ऐसे अप्लाई कर रहे हैं हम. इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगा बी ई वी के बराबर. डायरेक्शन उसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो दिया जाता है. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से कि इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा. ठीक है, यहाँ पे एक जो फिगर है आपका इसमें आपको दिख पा रहा होगा जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा. अब जो रेडियस है इस पाथ का, इस पाथ के रेडियस को हम लोग लेंगे आर, कैपिटल आर लेते हैं रेडियस को. तो सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए लॉरेंस फोर्स जो है वो बराबर का सेंट्रिपिटल फोर्स भी देगा आपको. तो बी ई वी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर. तो ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं. तो आर और वी ये दोनों की वैल्यू अगर हमारे को पता रहे तो फिर हम आसानी से ई और एम को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है फील्ड से, इलेक्ट्रॉन आपका ये फील्ड से जब निकल रहा है इस बी पॉइंट पे, पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन एंटर किया था तब हमने ये ए पॉइंट लिया था, अब जब बाहर निकल रहा है वो पॉइंट कौन सा, ये बी पॉइंट. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगा वो वैनिश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और जाके टकराएगा इस पॉइंट क्यू पे. तो डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो हो गया पी क्यू के बराबर. तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस आर पे डिपेंड करेगा.
पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये है पाथ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो ए से बी होगा, जो कि एक सर्कल का आर्क होगा जिसका सेंटर हम मान के चल सकते हैं सी है, और रेडियस इसका जो है वो है आर। तो पॉइंट बी के बाद जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो लीनियर होगा, और वो होगा अलॉन्ग टेंजेंट ओ बी क्यू। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट बना हुआ है, अब इसके यहाँ पे हम एंगल पी ओ क्यू एक लेंगे, पी ओ क्यू इक्वल्स टू थीटा के बराबर, या इसको एंगल ए सी डी भी हम कह सकते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो स्मॉल एक्स से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे स्मॉल एक्स दिख रहा होगा आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्क्रीन का सेंटर ओ से, मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर ओ से, वो है ओ पी इज इक्वल्स टू कैपिटल एल, और जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो है आपका स्मॉल एल। तो इस फिगर से अगर आप ट्रायंगल पी ओ क्यू की अगर हम बात करते हैं, ये पी ओ क्यू हो गया आपका, यहाँ पे हम टेन थीटा लेंगे तो ये मिलेगा आपको पी क्यू अपॉन ओ पी के बराबर। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे लेते हैं टेन थीटा तो क्या मिला आपको, पी क्यू अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल। और ट्रायंगल ए सी डी अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे टेन थीटा लेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन आर। दोनों को इक्वेट कर लें तो एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन आर, तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल अपॉन एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पी वन पी टू जो प्लेट्स थे उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। तो पी वन को हमको रखना पड़ेगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये आपका पी वन था जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे, पी टू नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर में एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स ई ई होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपवर्ड्स, और ब्राइट स्पॉट जो क्यू पे बन रहा था वो शिफ्ट हो जाएगा पी के तरफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में ऐसे एडजस्ट करेंगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कि जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो इक्वल और अपोजिट होगा मैग्नेटिक फोर्स के। तो अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन जो हो जाएगी, उस अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ई वी इज इक्वल्स टू ई ई, और वी इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी। तो यहाँ पे आपको इसके पहले जो हमने इक्वेशन निकाला था ई बाई एम वाला, दिस इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एल लिख सकते हैं। अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, तो ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी होगा। तो हमारा अब ई बाई एम जो है वो क्या हो जाएगा, ई बाई एम इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन स्मॉल एल कैपिटल एल बी स्क्वायर डी। तो ई बाई एम आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ से थ्योरी के फॉर्म पे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।